दोस्तों आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, अभी ही पता लगा है कि जो हरियाणा में चुनाव हुए थे उसके एग्जिट पोल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले ये दिखाया जा रहा था कि जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के खाते में ज़्यादा दिखाई जा रहे थे कि बीजेपी के चांस वहाँ जीतने के हैं, पर अभी ही एग्जिट पोल बदला गया है और उसमें सीधा दिख रहा है कि बीजेपी इस बार हार सकती है। जी हाँ दोस्तों, पक्का नहीं है पर इस बार ये जरूर लग रहा है कि बीजेपी पीछे रह सकती है क्योंकि कांग्रेस बीजेपी को पूरी टक्कर दे रही है। चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव के नतीजे गुरुवार यानी 24 अक्टूबर को घोषित हो जाएंगे। गुरुवार दोपहर तक तस्वीर साफ होने लगेगी कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले ही पता लगने लगता है कि आखिरकार किसका क्या हो रहा है क्योंकि पोल्स आने लगते हैं, काउंटिंग शुरू हो जाती है। बीजेपी दोनों ही प्रदेशों में लगातार दूसरी बार वापसी की उम्मीद कर रही है, पर महाराष्ट्र में तो उसके लिए काम आसान है, पर वहीं अगर हरियाणा में देखें तो कांग्रेस उनको टक्कर देती हुई नजर आ रही है और ये कुछ ही दिन, एक दो दिन पहले ही पता लगा है कि हरियाणा में कांग्रेस टक्कर दे रही है। तमाम तरह के पोल्स में भी यही उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियां सत्ता विरोधी लहर के सहारे वापसी की आस लगाए बैठी है। जाहिर है चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी ही नहीं, आज देश के करोड़ों लोगों की भी इन नतीजों पर खास नजर होगी। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला भाजपा की अगुवाई वाली महागठबंधन यानी महायुति एवं कांग्रेस एनसीपी गठबंधन अथवा महाअखाड़ी यानी मोर्चा के बीच है। अन्य दलों में राज ठाकरे की अगुवाई वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने 101 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे थे। चुनाव में 1400 निर्दलीय उम्मीदवार भी ताल ठोक के बैठे हैं। महाराष्ट्र में सभी 288 विधानसभा क्षेत्रों में 235 महिलाओं समेत 3237 उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र में तो बीजेपी का पूरा काम बिल्कुल सही दिख रहा है। मातो पूरे जो इनका गठबंधन हुआ है बीजेपी और शिवसेना का, वो जीतता हुआ नजर आ रहा है और महाराष्ट्र में कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कितना आसान नहीं होने वाला है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ बात करें हरियाणा की, तो वहां इस बार कुछ हो सकता है क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। ये पूरा चेक जो पता लगाया है वो एग्जिट पोल आए हैं 2-3 जो एक्सिस टीवी और रिपब्लिक टीवी के अनुसार बताए जा रहे हैं। हरियाणा में कांग्रेस ने अपना प्रदेश अध्यक्ष दल बैठा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में भाजपा ने 90 में से 75 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। अब ये पता तो गुरुवार वाले दिन को ही पता लगेगा कि आखिर 24 अक्टूबर को क्या होगा और ये हमें पूरी जो चीजें हैं वो कल ही पता लगने लगेंगी दोपहर से कि आखिरकार जीत के चांस किसके हैं। पर अभी तक एग्जिट पोल, जो ये लास्ट एग्जिट पोल निकल गया है दोस्तों, आप लास्ट एग्जिट पोल पर ही विश्वास कीजिएगा क्योंकि अब कल चुनाव आने वाला है तो जो आज का एग्जिट पोल होगा वो कहीं ना कहीं जो रिजल्ट आएगा उससे मेल खाता होगा, उसके अप्रोक्स ही आएगा। तो यही दिख रहा है कि हरियाणा में टक्कर दी जा सकती है। वहीं बात करें महाराष्ट्र में तो बीजेपी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पर हरियाणा में एक बार के लिए कांटे की टक्कर हो सकती है। दोस्तों आगे के लिए मुझे अलविदा कहिए, मैं आपको नई वीडियो के साथ, नई नॉलेज के साथ आपके साथ आऊंगा।